नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अजमेर में मनाया रिजु झुनझुनवाला का जन्मदिन, 351 जरूरतमंदों को कंबल एवं गर्म कपड़े किए वितरित। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को निर्धन असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। शहर अध्यक्ष विजय जैन आज जवाहर फाउंडेशन एवं पूर्वांचल जल चेतना समिति द्वारा के मुख्य संरक्षक रिजु झुनझुनवाला के निर्देश अनुसार सर नेवा नारायण सेवा कार्यक्रम के तहत कल्याणपुरा क्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्धन असहाय एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए सामाजिक संस्थाओं को तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर समिति द्वारा कड़ाके की ठंड में राहत प्रदान करने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को कम्बल एवं गर्म कपड़े वितरित कर राहत प्रदान की। समारोह में पूर्वांचल जल चेतना समिति के मैनेजिंग ट्रस्टी रजनीश कुमार, समिति के अध्यक्ष राजेंद्र गोयल, महासचिव शिव कुमार बंसल, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नवीन कच्छा व पार्षद कैलाश कोमल, पार्षद कीर्ति हाड़ा के नेतृत्व में 351 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान सहित कई कांग्रेसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज रिजु झुनझुनवाला जी का 43rd जन्म दिवस है और इस अवसर पर उनके द्वारा संचालित NGO जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जनचेतना समिति की तरफ से कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत 351 कंबल हमने कल कल्याणपुरा में बांटा था विजय जैन जी के नेतृत्व में, और आज भी हथेड़ी बगीचा के अंदर भी 300 कंबलों का वितरण है शाम में, और साथ में ये JLM हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने 15 बेड, 15 मैट्रेस और 15 ग्लूकोज के स्टैंड भेंट किए। जो शिशु वार्ड के अंदर बेड्स की कमी चल रही थी, रिजु जी के निर्देशानुसार वहाँ पर ऑलरेडी बेड पहुँचा दिए गए हैं, आप चाहेंगे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैं कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और गरीब लोगों की सेवा इससे बेहतर नहीं हो सकती। आप बताइए आज क्या कार्यक्रम करा गया? आज हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हुए और एक उद्योगपति रिजु झुनझुनवाला जी के जन्म दिवस पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में इन्होंने यहाँ पे पोष बड़े का आयोजन रखा है और बच्चों को, गरीब बच्चों को, छोटे बच्चों को, सबको यहाँ जो है उन्होंने प्रसाद वितरित किया है। सभी गरीब महिलाओं को यहाँ प्रसाद वितरित किया है। हम उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं और इस तरह के आयोजन करके कई सेवा भाव के आयोजन इन्होंने विभिन्न जगह पर अजमेर शहर में किए हैं। ठीक है ना जी? आज हमारे MP कैंडिडेट श्रीमान रिजु झुनझुनवाला जी का जन्मदिन है, उसी के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ जवाहर फाउंडेशन, पूर्वांचल जनचेतना समिति और प्रिंस सोसाइटी के बैनर पर हम लोगों ने यहाँ ऊनी कपड़े वितरित किए गए थे। और हमें खुशी है कि हम लोगों ने 101 महिलाएं, जिसमें कि वृद्धा भी थी, विकलांग भी थी, अपाहिज, सभी तरह की महिलाएं थी, उन लोगों को हम लोगों ने इस सर्दी के सितम से बचाने के लिए ऊनी कपड़े वितरित किए हैं। और हम लोगों के आगे कार्यक्रम बहुत हैं आज, जैसा कि अभी इनके OSD रजनीश जी ने बताया कि आगे जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय है, उसमें भी अभी ग्लूकोज की जो मशीन्स हैं और जो बेड्स हैं वो भी हम लोग देंगे। तो ये एक हम लोगों के लिए एक सपना सा है कि अजमेर में हम लोग सोच रहे थे कि रिजु झुनझुनवाला जी चुनाव हार गए हैं और वो उन्होंने कम भूमि माना था, तो एक लोगों के दिल में था कि वो शायद नहीं आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं एक लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। कभी पेड़ पौधों का जो लगाने का है, हरियाली का है, या जितने भी हैं प्लास्टिक हटाओ, या जितने भी कार्यक्रम हैं वो मुस्तकिल चल रहे हैं। और आज जो हैं कंबल और स्वेटर्स वगैरह वितरित किए हैं और ऐसे चलते रहेंगे प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि ऐसे सामाजिक सरोकार के तहत हम लोग जुड़े रहें। राजस्थान ADG ट्रेनिंग नीना सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंची अजमेर। जिला स्तर पर बनाई गई स्पेशल टीम के लिए बैठक। राजस्थान ADG ट्रेनिंग नीना सिंह एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची और पुलिस महानिदेशक द्वारा जिला स्तर पर बनाई गई स्पेशल टीम की बैठक ली। ADG नीना सिंह ने बताया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिला सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न वारदातों पर नजर रखते हुए विशेष निगरानी के लिए पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव द्वारा जिला स्तर पर स्पेशल टीम का गठन किया गया है। ये टीम अपराध पर नजर रखते हुए विभिन्न जानकारियां भी उठाएगी, जिससे कि अपराधियों पर नकेल कसने में आसानी हो सके। इस टीम में अजमेर रेंज के 40 अधिकारी शामिल है। इन अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि वह विभिन्न पहलुओं पर नजर रखते हुए कानून व्यवस्था को बेहतर कर सके। इस संबंध में आज अजमेर पुलिस लाइन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अजमेर रेंज IG संजीव नर्सरी, अजमेर टोंक भीलवाड़ा नागौर के SP सहित टीम के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने ADG नीना सिंह से विशेष दिशा निर्देश प्राप्त किए, जिससे कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उन निर्देशों पर काम कर सके और प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बना सके। ये आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए हर एक जिले में
डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम बनाई गई है। तो यहाँ आज अजमेर रेंज के डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम का ओरिएंटेशन है, जिसमें कि मैं अभी आई हूँ, और करीब 41 कैंडिडेट्स हैं इसमें अब हमारे ऑफिसर्स। तो अभी मैं जा रही हूँ अटेंड करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जो जानकारी दी जाएगी इस बैठक में, आप महत्वपूर्ण जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है, तो ओरिएंटेशन है ना। किस तरह का ओरिएंटेशन? ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है जी। तो अब वाल्मीकि समाज के युवक को मिल रही है जान से मारने की धमकी, कुछ बदमाश कुछ दिनों से कर रहे हैं परेशान। वाल्मीकि समाज के राजेश कुमार को काफी समय से जान से मारने की धमकी मिल रही है। युवक के साथ आज समाज के लोगों ने अंबेडकर सर्किल पर प्रदर्शन किया व कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस कप्तान से भी मुलाकात की व सुरक्षा की गुहार लगाई। युवक का कहना है कि कुछ युवकों द्वारा उसको धमकी दी जा रही है और कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसकी वजह से उसके और उसके साथियों के काफी चोटें भी आई थी। युवक का कहना है कि उसने गंज थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उन्हें 151 में पाबंद करने के बाद छोड़ दिया गया और फिर उससे उसको धमकियां दी जा रही है। उसका कहना है कि बड़े बड़े नेता भी उसको धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जानमाल को खतरा बना हुआ है। इसलिए आज समाज के लोगों ने एकता दिखाते हुए पुलिस कप्तान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप कर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। समाज पूरा इकट्ठा हो गया है क्या? करीबन 6 दिन पहले एक दलित समाज के बच्चे राजेश गोड़ीवाल जी के साथ में हाथापाई करी गई। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि दलित समाज का शुरू से ही किसी न किसी जरिए से एक शोषण किया जा रहा है। मेरा अजमेर के प्रशासन से, प्रशासन अधिकारियों से निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और अच्छे से अच्छे कार्रवाई करके इसको न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो दलित समाज के साथ में और भी समाज संगठित हैं जो एक होकर इसका हर एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। अजय गुजर। हाँ भैया, क्या मामला था? भैया, कुछ समय पहले मुझे कुछ लोगों द्वारा धमकी दी जा रही थी, उनमें कुछ बड़े नेता भी शामिल थे। उन लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही थी कि तू ज़्यादा फड़फड़ करने लग गया तेरी नेतागिरी खत्म कर देंगे, तो बन गए मात तो ऐसे अपशब्द करके उन्होंने मुझे गाली वाली देने लगे। तो मैंने उनका विरोध किया था, उन लोगों की कंप्लेंट गंज थाने में करवाई थी। जैसे मैं गंज थाने से बाहर निकला तो कुछ 20-25 युवक, जिसमें परवेज, इरफान, अख्तर, अहमद और भी 10-12 लोग थे, वो सब इकट्ठे हुए। आते ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी, मेरे मित्र हेमंत जसोरिया के यहाँ सुब्रज होटल के पीछे। फिर मैं जैसे ही वहाँ से, उन्होंने क्षेत्रवासियों ने मेरे को छुड़ाया गया। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, गंज थाने पहुँचा, तो वहाँ मेरे दोस्त पप्पू कुरैशी, शहाबुद्दीन कुरैशी जो है, जो पूर्व विधायक में चुनाव लड़ चुके हैं, वो मैं, गफ्फार, हम तीनों को बहुत ज़्यादा चोटें आई। हम तीनों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई, वहाँ मेडिकल वगैरह करवाया। इसके बाद उन्होंने रंजिश वापस कुछ देर बाद हम पर लड़की की छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और अभी कल की ही बात है, वापस मैं कल कैसरगंज था, तो वापस वहाँ 15-20 युवक इकट्ठे हुए और वापस मुझे धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मित्र का फ़ोन आया, उसने कहा तू यहाँ से निकल, नहीं तो कल वो वापस 20-25 लड़के बैठे हैं, वो तेरे को जान से मार देंगे। मैं वहाँ से निकला। इस तरह से मेरे साथ अत्याचार हुआ। मैं एक एससी का बनता हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और मैं काफ़ी परेशान हूँ। ये मुझे बार बार धमकाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि राजीनामा कर ले, नहीं तो तेरे को जान से मरवा देंगे। अभी अब तूने अभी तक देखा का अभी तक तेरे साथ हुआ क्या है? मैं तो 20-25 लोगों ने मारा पीटा है, अब देखता हूँ और क्या क्या होता है तेरे साथ। क्या चाहते हो? मैं अपने लिए न्याय चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो झूठा मुकदमा उन्होंने लगाया उसकी जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, और उस मुकदमे में जो झूठा मुकदमा ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो मैंने एस सी एस टी का मुकदमा उन पर लगाया है, जो जाति सोचो शब्दों से मेरे को अपमानित किया उन्होंने, उसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि वो अभी भी फ्री घूम रहे हैं। उन्हें 151 बंद करके उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और अभी वो मुझे धमकाने की फिराक में है और धमका ही रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से। डॉक्टर के घर बंधक बनाकर डकैती करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कृष्णगंज थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। आनासागर लिंक रोड पर 11 बदमाशों द्वारा लोहे की खिड़की हटाकर डॉक्टर के घर बंधक बनाकर डकैती की वारदात की गई थी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना बांग्लादेशी निवासी सलीम उर्फ अपन को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए कृष्णगंज थाना पुलिस प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि 5 अप्रैल 2011 को अजमेर के लिंक रोड पर रहने वाले शैलेंद्र भागरगांव के घर पर 11 कुख्यात डकैतों ने डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए परिवार के सभी सदस्यों को अंदर से बंधक बनाकर पीटा और घर में रखी सोने चांदी की ज्वेलरी, नकदी व पहने हुए गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। आरोपी ने घर की गाड़ी और मोबाइल भी चुरा ली, इसके आधार पर उनकी पहचान हो सकी। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी सलीम उर्फ अपन को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिसे अन्य 3 आरोपियों को लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं उसने चुराए गए माल की बरामदगी का प्रयास भी किया जाएगा। इस गैंग के सभी सदस्य 3 अलग अलग गिरोह बनाकर भारत के विभिन्न इलाकों में लूट डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी सलीम को कल न्यायालय में पेश करेगी, जहाँ से उसे रिमांड पर लिया जाएगा।
ये 5 अप्रैल 2011 की घटना है, जब आना सागर लिंक रोड पर रहने वाले डॉक्टर शैलेंद्र भारद्वाज के मकान में कुछ लुटेरे 10-11 लुटेरे खिड़की एसी की जो ग्रिल एसी की निकाल कर उसके अंदर से घर में प्रवेश करके इन्होंने डॉक्टर साहब उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ मारपीट की, उनके घरों के चद्दर उद्दर फाड़ के उनसे उनके हाथ पैर और मुंह बांध के उसके घर में रखे हुए सोने चांदी जेवरात और नकदी वगैरह लूट के लेके चले गए थे। इस पर प्रकरण दर्ज करके उसी समय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था और 4 मुलजिमान जो 6 शेष थे जिनके खिलाफ 173-8 में तफ्तीश पेंडिंग रखी गई थी उस पे अभी हमने इसको सलीम उर्फ अपन जो एक और आरोपी था उसको प्रोडक्शन वारंट से हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इसके पीसी रिमांड लेके इससे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और भी कोई आरोपी? हाँ, इसमें 3 आरोपी और अभी बाकी हैं जिनके बारे में भी मालूमात की गई है, उनको भी लाके प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार करके। ग्राम पंचायत चुनाव की तिथि आगे बढ़ने से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को हो रही है परेशानी, आज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत चुनाव की तिथि 17 जनवरी थी, अब उसको आगे बढ़ने की वजह से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी परेशान हो रहे हैं और आज कलेक्टर से मिलने पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि हम सभी को अपने चुनाव चिन्ह दे दिए गए हैं, चुनाव चिन्ह को लेकर हमने अपना प्रचार भी कर लिया है, लेकिन अब चुनाव की तिथि आगे बढ़ने से हमें परेशानी हो रही है। सभी ग्रामवासियों को हमने 17 तारीख को मत डालने के लिए अपील की थी, लेकिन अब आगे बढ़ने से हमारी इज्जत पर सवाल उठ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि हमने कलेक्टर से बात करी और जिन पंचायत का परिसीमन नहीं हुआ उनके चुनाव की तिथि में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डाली जाए और 17 तारीख को ही चुनाव किए जाए। राजस्थान सरकार ने पहले आदेश निकाल दिया हमारे पूरे राजस्थान में कि 17 तारीख को पहले चरण में चुनाव होंगे सरपंच और वार्ड पंच के, लेकिन कुछ वापिस ऐसे आदेश आ गए हमारे से 8 तारीख को फार्म भरा लिए गए 8/1 को हर पंचायत हेडक्वार्टर पर, और हमारे को फार्म भरा के 8 तारीख और फिर 9 तारीख को हमें चुनाव चिन्ह दे दिया गया, उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, सारों को वार्ड पंच और सरपंच को सबको चिन्ह दे दिया गया। चिन्ह देने के बाद में भी हमारे को वापस तुरंत आदेश आया कि बाद में आपका चुनाव 17 तारीख को निश्चित हो गया है, इसलिए सब लोगों के ये परेशानी हो रही है। हम लोग इतने परेशान हुए, हर घर में गए, हर आदमी को रिक्वेस्ट किया, हमको चिन्ह लेके लोगों को घुमाया भाई इसमें वोट देना है, हमको चिन्ह आउटर होने के बाद अगर हमारा चुनाव नहीं होता है हमारा अपमान होता है और हमारी बेइज्जती होती है, इसलिए हम निवेदन करना चाहता है कि हमारी ग्राम पंचायत तिलोरा और नांद जो पुष्कर में आती है पंचायत पिछाण, उसमें हमारे कोई भी किसी तरह का हेरबदल नहीं हुआ, कोई परिश्रम नहीं हुआ, जिन पंचायतों में परिश्रम नहीं हुआ उनके वो नियम लागू ही नहीं होता है, इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि 17 तारीख को हमारे चुनाव होने चाहिए। हाँ साहब, किससे मिलना है? हम इससे जिलाधीश महोदय से मिलना है, और जिलाधीश महोदय ये कहा, उन्होंने कहा हम जयपुर भेजेंगे और जल्द कोशिश करेंगे आपके जिन में परिश्रम नहीं हुआ है उनको हम चुनाव कराएंगे। मेरा नाम है समुंदर सिंह राज, पुरुष कृषि मंडल डायरेक्टर एवं सरपंच। JLN मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने निकाली आक्रोश रैली, चिकित्सा मंत्री के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल के मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट आज रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सभी स्टूडेंट ने चिकित्सा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की है कि नागपुर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए 80% आरक्षण महिलाओं को और 20% आरक्षण पुरुषों को दिया है, इसे खत्म किया जाए, इस फैसले को वापस लेकर संविधान की हिफाजत की जाए और पुरुषों के साथ इंसाफ किया जाए। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि पिछले दिनों नागपुर के एम्स नर्सिंग कर्मियों की 100 पोस्ट निकाली गई थी जिसमें महिलाओं को 80% आरक्षण और पुरुषों को 20% आरक्षण दिया गया। इस नियम से सभी बेरोजगार पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इस नियम की वजह से पुरुषों की बेरोजगारी की तादाद बढ़ेगी। नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार के जरिए यह नियम वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले 7 दिनों के बाद नर्सिंग कर्मी भूख हड़ताल पर बैठेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अभी हम आज है जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी से लेके हम सभी BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, जो अभी हाल ही में भर्ती निकली है एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की, पटना है, नागपुर है और इलाहाबाद में, आज ही भर्ती 2-4 दिन हो गए। उसमें क्या है, अभी फीमेल जो कैंडिडेट है नर्सिंग की उनको 80% आरक्षण दिया जा रहा है और बॉयज़ को 20% आरक्षित दिया जा रहा है। 100 सीटें ऑलरेडी निकली है नागपुर एम्स से, उसमें 80 अगर गर्ल्स को ले लेंगे तो पीछे 20 ही बॉयज़ बचेंगे। तो जब BSc नर्सिंग में अगर नर्सिंग ऑफिसर्स में अगर सारी गर्ल्स को ही लेना था
तो पहले बॉयज़ को नर्सिंग ही क्यों करवाई गई? जब एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि समानता का अधिकार है, मेल और फीमेल में एकता का अधिकार है, तो जब अब इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? छात्राओं को 80% आरक्षण देके और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 20% आरक्षित देके हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो सरासर गलत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेल कैंडिडेट्स को तो कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, फिर हमारा नर्सिंग करने का और इतनी पढ़ाई करने का क्या मतलब रहा? हम 5 साल से यहाँ पर नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कम से कम 4 लाख पर कैंडिडेट के जो रुपए हैं वो खर्च हो रहे हैं, वो करने का क्या मतलब हुआ? हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। इसके लिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं 80 और 20 का, उसको हटा के सभी को समानता का अधिकार दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 7 दिन बाद फिर से आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं माने गई तो हमको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी अगर हमारे कुछ भी होता है तो। भाजपा जनों ने जन जन से मिलकर NRC का समर्थन करने की अपील, भाजपा के जन जागरण अभियान की शुरुआत। जब से CAA बिल और NRC के बारे में बात होना शुरू हुई है तब से जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। भाजपा ने फैसला लिया है कि हर जिले में जन जागरण अभियान शुरू करके लोगों को समझाया जाएगा कि NRC किसी से नागरिकता छीनने का बिल नहीं है। इसके तहत अजमेर भाजपा द्वारा गांधी भवन से लेकर दरगाह तक जन जागरण अभियान चलाया गया। सभी लोगों से मिलकर लोगों को NRC के बारे में बताया गया। अभियान में विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बदेल सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं देवनानी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी इस बिल के लिए भ्रम फैला रहे हैं, उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम जन जागरण अभियान के तहत लोगों को इस बिल के बारे में बता रहे हैं और समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। हाँ मैडम बताइए। देखिए, जो CA का कानून जो संसद में पारित हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा जो गलतफहमी पैदा की गई है और पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को लेकर के उनको गुमराह किया गया है, उसकी जन जागरण के तहत हम आज यहाँ दरगाह बाजार में आए हैं और प्रत्येक जो हमारे बंधु हैं इस प्रकार के जो गुमराह हुए हैं कांग्रेस के इशारों पर, उनको हम समझाइश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरह से हिंदुस्तान के लोगों पर लागू नहीं होता है, ये हिंदुस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं उन पर ये लागू होता है। इसलिए इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं उन धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को हिंदुस्तान में शरण मिलनी चाहिए। इस समझाइश के तहत आज हम यहाँ दरगाह बाजार में निकले हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो देश के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक पैम्पलेट बनाया गया जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों के बीच में, जन के बीच में जाकर इस बात को समझाया जा रहा है कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं। वर्तमान में इस देश में जो भी बंदा रह रहा है उस एक्ट के माध्यम से इस पर किसी भी प्रकार से कोई कांच नहीं आएगी। तो जब लगता है कि बुरी ताकतें बार बार भ्रमित करती है तो फिर अच्छी ताकतों को भी मैदान में निकलना पड़ता है। जो अच्छी ताकतें ये निकली है और उस एक्ट के बारे में बता रही है कि इनका किसी भी प्रकार से कोई अधिकार जाने वाला नहीं है, इसके अंदर सारे के सारा विवरण दिया गया है। तो निश्चित रूप से जन में जागरूकता आए और भ्रमित ना हो, इसके नाते ही आज ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान चलाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत आज पार्टी के कार्यकर्ता आज गांधी भवन से निकले हैं, बाज़ार में सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, दरगाह बाज़ार में भी हम अल्पसंख्यकों और बाकी भाइयों से समर्थन करके इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इसमें नागरिकता किसी की छीनी नहीं जाएगी, ली नहीं जाएगी, ये नागरिकता देने के लिए है, इसलिए आप इसका समर्थन करें। इसलिए आम जन 8866268662 पे एक मोबाइल से अपना एक मिस कॉल करके मोदी जी का भी समर्थन कर रहे हैं। आम जन इसके समर्थन में हमें लगा कि 90% से अधिक लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस और वामपंथी लोग इसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं, वह एक जन जागरण के तहत वह भ्रम दूर करते हुए वास्तव में ये देश के हित में है, इसका एक अभियान हमने शुरू किया है। मुझे लगता है अजमेर की जनता निश्चित रूप से मोदी जी के साथ है, इस अभियान के साथ है और नागरिकता संशोधन अधिनियम से जो विस्थापित पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अफगानिस्तान से आए उनको नागरिकता मिलेगी, सम्मान से वो जी सकेंगे, उनके पूरे अधिकार मिल करके, यह जो आज तक नहीं हो पाया उसे मोदी जी ने एक व्यवहारिक ला करके उनको सम्मान जीने का। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में मेले का आयोजन, कार्यक्रम में इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में विजेता रहे खिलाड़ियों को भी किया गया सम्मानित।
आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में विद्यार्थियों की मांग पर नव वर्ष लोहड़ी पर मकर संक्रांति से पूर्व कॉलेज में मेले का आयोजन किया गया। इसका नाम रखा गया 2020। मेले में खाने पीने के लिए कई तरह की स्टॉल लगी, डांस के लिए डीजे बुलाया गया, वही बच्चों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। कॉलेज प्रचार मुन्नरलाल अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज में काफी सालों बाद इस तरह का आयोजन हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने आनंद उठाया। विद्यार्थियों के लिए नववर्ष एवं मकर संक्रांति से पूर्व और लोहड़ी पर्व के अवसर पर आज फेट का आयोजन किया गया है। इस फेट का नाम रखा गया है 2020 और महाविद्यालय में पिछले कई वर्षों बाद यह आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए इसमें फ्री एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए रखा गया है, स्टॉल्स रखी गई है। जो विनर्स रहे हैं इंटर कॉलेज में यूनिवर्सिटी के, उन्हें भी आज पुरस्कृत किया जाएगा। और विद्यार्थियों की मैं भावनाओं को रीड करते हुए कि कुछ प्रोग्राम लिखें जिससे विद्यार्थी गेट टुगेदर हो, रिफ़्रेश हो। और सुबह मैंने उनको एक मैसेज में ये कहा था कि अब ये इन एक्टिविटीज़ के बाद आप लोगों के अनुसार जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ उसमें शांतिपूर्वक आपने देखा विद्यार्थी भाग ले रहा है और बड़ी रुचि से भाग ले रहा है, तो उसके बाद वो अपनी परीक्षा की। पदमपुरा गांव में वन विभाग ने पकड़ा तेंदुआ, जाल में फंसा हुआ था तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर दिया प्राथमिक उपचार। वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि माकड़वाली के आगे पदमपुरा गांव में एक तेंदुआ जाल में फंसा हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जयपुर से रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को जाल से बाहर निकाला गया और उसको प्राथमिक उपचार दिया गया। मौके की सूचना पाकर कलेक्टर इशमोन शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मादा तेंदुआ की हालत एकदम ठीक है जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। एक पदमपुरा गांव है, वहां पे एक जुवेनाइल पैंथर एक जाल में फंस गया था और उसके बाद आज वन विभाग के द्वारा उसे पिंजरे में से रेस्क्यू किया गया है और उसका स्वास्थ्य ठीक है और उसे जो है प्राथमिक उपचार दे दी गई है और उसे किसी तरह की हानि नहीं हुई है। आज हमें सुबह मॉर्निंग में डीएफओ मैडम का फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक लेपर्ड है। हमारी टीम जयपुर से यहाँ पे तुरंत ही पहुँची तो देखा कि एक लेपर्ड जो इसका राइट हैंड लेग है वो ट्रैप में फंसा हुआ था। इसको तुरंत ही इसको ट्रैंकुलाइज किया, ट्रैंकुलाइज करके इसको ट्रैप से रिलीफ किया। ट्रैप रिलीफ करने के बाद यहाँ पे इसका हेल्थ इवोल्यूशन किया। हेल्थ इवोल्यूशन पे इसका देखा कि इसकी जो राइट हैंड लेग है पाँव पे थोड़ा वुंड हो गया था, तो उसको हमने इसको मेडिसिनली उसको स्प्रे वगैरह किया और एंटीबायोटिक्स लगाई गई हैं। साथ साथ उसका हेल्थ इवोल्यूशन भी अभी किया है। ये सब एडल्ट फीमेल है जो किसी कारणवश यहाँ पे आ गई, नाले में आ गई थी। अच्छी बात यह है कि पूरा खाए पिए है, फुल स्टोमक है और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रैप में फंस गई। दूसरा, इसका अभी हेल्थ इवोल्यूशन किया है, इसके ब्लड सैंपल्स भी लिए हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी अभी इसको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जैसे ही ये बिल्कुल फिट हो लगेगी इसको पुनः वाइल्ड में रिलीज़ किया जाएगा। ये पदमपुरा में माकड़वाली से थोड़ा सा आगे वहाँ पर एक जो नाला जो था उसके अंदर एक स्नेयर लगाया गया था, जाल जिसको बोलते हैं, तो उसमें मे भी ये हो सकता है नीलगाय के लिए भी लगाया हुआ हो सकता है, खेत वालों ने लगाया हो। और इसमें अनफॉर्चुनेटली इसका पैर फंस गया था जो कि रेस्क्यू टीम हमारी विद इन 2 आवर्स जैसे ही फ़ोन किया उसी समय यहाँ पर पहुँच गई जयपुर से और ट्रैंकुलाइज करके उसको रेस्क्यू किया गया। अभी उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया, सारा उसका वाइटल स्टेटिस्टिक्स चेक करके उसको रिलीज़ करने की कार्रवाई शुरू हुई है। एज ये सब एडल्ट फीमेल है, बिलो 2 ईयर्स। अब इसको रेस्क्यू करेंगे, मतलब इसको रिलीज करेंगे हम फील्ड में। शिक्षकों का शिक्षण गुणवत्ता पूर्ण होना जरूरी, बोले कुलपति सिंह। कुलपति सिंह ने किया विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने सोमवार को विश्वविद्यालय स्थित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता के कारण ही विद्यार्थी शिक्षण संस्थान की ओर आकर्षित होते हैं। कुलपति सोमवार को 11 बजे सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिसर स्थित वाल्मीकि भवन पहुंचे। समाज विज्ञान स्थित शिक्षा विभाग में कुलपति ने यहाँ अध्ययनरत बीएड के छात्राओं से शिक्षकों एवं शिक्षण की गुणवत्ता की जानकारी ली। इसके बाद पत्रकारिता विभाग, अर्थशास्त्र विभाग, राजनीति विज्ञान व जनसंख्या अध्ययन विभाग का दौरा किया। विभागों में छात्रों की कम संख्या पर नाराजगी प्रकट करते हुए कुलपति ने कहा कि यदि शिक्षकों का शिक्षण गुणवत्ता प्रभावी होगा तो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश को प्राथमिकता देंगे। सरस्वती विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह जी ने आज विभिन्न शैक्षणिक विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अध्ययनरत विद्यार्थियों को से चर्चा की
और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। छात्रों द्वारा अगर कोई समस्या बताई गई तो उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश माननीय कुलपति ने संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर की स्वच्छता को भी परखा और जहां पर भी कुछ कंटीली झाड़ियां उगी हुई थी उनके उन्मूलन हेतु तुरंत उद्यान विभाग को निर्देशित किया। विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन जलाशय एवं सरस्वती मंदिर के कार्यों की भी कुलपति ने रिपोर्ट ली और उस पर सांत्वना प्रकट की। एनआरसी को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन, कहा भाजपा सरकार कर रही है देश को बांटने का काम। कलेक्ट्रेट पर कुछ लोगों ने आज एनआरसी और सीएए को लेकर विरोध किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि भाजपा सरकार देश को बांटने का काम कर रही है, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम कर रही है, जिसको लेकर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी लोग इन दोनों बिलों को बायकॉट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई एक थे अंग्रेज दूसरे है भाजपाई, जिन्होंने इस भाईचारे में आग लगाई। इस देश की ताकत अगर कुछ है तो इस देश की एकता अखंडता और संप्रभुता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस पार्टी की खुद की स्थापना 1980 में हुई वह 1971 के पहले के सबूत आज मांग रही है। मैं कहना चाहूंगा कि यह देश अशफाक और भगत सिंह का देश है, यह देश महात्मा गांधी का देश है। इस देश को हम धर्म के आधार पर बंटने नहीं देंगे। द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री इज द डाइवर्सिटी। मगर जिस तरीके से यह इसमें आग में घी डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो यह भारत जलाओ बीजेपी नहीं, यह भारत जलाओ पार्टी है। और इसके साथ में आरएसएस नहीं, राष्ट्रीय सांप्रदायिक संघ है जो इसमें आग में घी डालकर इस हिंदू और मुस्लिम में राजनीति कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि यह भारत में रहने वाला हर एक निवासी भारतीय है। हम पूर्णतः इसके विरोध करते हैं और जो भारत सरकार जो एनआरसी और लेकर आई है, मैं इस सरकार से पुनः कहना चाहूँगा कि इस देश में यह महात्मा गांधी का देश है, यह सावरकर का देश नहीं है। इस देश में हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई भाई है। और ज्ञापन दिया किसने? आज हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और अंत में मैं समस्त युवाओं की तरफ से भी आह्वान करना चाहूँगा, जिस तरीके से आज बेरोजगारी अपने चरमोत्कर्ष पर है, आज हर दो घंटे में तीन जो युवा है वो आत्महत्या कर रहा है, आज जीडीपी औदे मऊ गिर रही है, लेकिन सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह एनआरसी लाई है। और अंत में मैं इन युवाओं से कहना चाहूँगा कि धैर्य धरो, तार्किक बनो, ना बनो कठपुतली बीजेपी के आईटी सेल वालों की। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने आरपीएससी को सौंपा ज्ञापन। कई समय से रिजल्ट जारी करने में हो रही है देरी। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी आरपीएससी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मांग की है कि परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाए। अभ्यर्थियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2018 सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में शुरू से ही देरी हो रही है, अभी भी काउंसलिंग के बाद रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से 20,000 बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। इसलिए विभाग से मांग की गई है कि जल्द से जल्द जारी करें। अब ये बताइए, हम आज जो भी मेरे भाई आए हैं, मैं आया हूँ, हम 2018 सेकंड ग्रेड की भर्ती थी उसके मामले में आए हैं। विभाग ने अप्रैल 2018 में हमारी विज्ञप्ति जारी की थी सेकंड ग्रेड की, और उसके बाद में अक्टूबर 2018 में हमारे लगभग एग्जाम हुए सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद में जुलाई 2019 में हमारा प्रोविजनल का रिजल्ट जारी किया, जो कि नवाचार अपनाया आरपीएससी ने, उसके तहत लगभग 9,300 कुछ पदों पर वैकेंसी निकली थी, उसके 20,000 कैंडिडेट पास किए हैं। कुछ समय भर्ती कोर्ट में रही, वो विभागी का कारण था क्योंकि विभाग ने हमारी कट ऑफ जारी नहीं की थी। उसके बाद में कोर्ट से स्टे हटा, उसके बाद में नवंबर में काउंसलिंग करवाई और लगभग अभी 18 दिसंबर को काउंसलिंग पूरी हो गई। आज लगभग महीना भर होने वाला है, लेकिन अभी तक 20,000 बेरोजगारों को अंतिम परिणाम नहीं मिला। उनको ये पता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसलिए आज हम शांतिपूर्वक विभाग में ज्ञापन देने आए थे। उनको बताने आए थे कि सर हमारा रिजल्ट जल्दी जारी करो, एक महीना हो गया काउंसलिंग हुए। तो उन्होंने बताया, सचिव साहब से रेणु जयपाल जी से मिले, बीएल खटीक साहब से मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी जारी करेंगे, स्टाफ की कमी की वजह से थोड़ी डिले हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारा रिजल्ट जारी नहीं करूंगा, रिजल्ट तो आरपीएससी जारी करेगी, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं और शांतिपूर्वक ज्ञापन दे। नवजात बच्चे को बाड़े में फेंकने वाली कुमाता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। 2 जनवरी को किशनगंज थाना पुलिस को एक नवजात बच्चा मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपनी हिरासत में लिया। वही पुलिस ने बच्चे की माँ को खोजना शुरू किया।
पुलिस ने समय में जो भी माता गर्भवती थी उनकी एक सूची तैयार की। पुलिस ने सभी के घरों पर दबिश दी, सभी के पास अपना बच्चा पाया गया, लेकिन एक महिला के पास अपना बच्चा नहीं था। जिससे पूछताछ की तो उसने अपना आरोप कबूला। उसने पुलिस को बताया कि वो बच्चे की पैदाइश को छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चे को पैदा होते ही फेंक दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। दिनांक 2 जनवरी 2020 को सूचना मिली थी कि नौसर गांव में किसी हासम खां के बाड़े में कोई नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंच के पुलिस ने हासम खां से रिपोर्ट प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया था, और मुकदमा दर्ज करने के बाद में चूंकि कोई अज्ञात कुमाता उस नवजात बच्ची को वहाँ उस बाड़े में फेंक के चली गई थी, इस पर हमने पुलिस ने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार टीम गठित की, और टीम गठित करने के बाद में हमने एक एक घर में जाके पूछताछ की, और इसके अलावा जो भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी रात के समय के संभाले गए, और गर्भवती महिलाएं जो उस समय उस दौरान जो गर्भवती महिलाएं थी जिनके बच्चा होने की संभावना थी, उन सब गर्भवती महिलाओं का एक डाटा कलेक्शन किया, और उसके बाद में सबके जन्म के बाद में बच्चे होने की जानकारी प्राप्त की गई। तो ज़्यादातर महिलाओं के बच्चे उनके पास थे, एक महिला जो गर्भवती होना मोहल्ले वाले बता रहे थे लेकिन उसके बच्चा नहीं हुआ, तो उसके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया, उसने अपना अपराध कबूल किया, और उसने बताया कि मैंने इसकी पैदाइश छुपाने के लिए इसको बच्ची को पैदा होते ही मैंने उसको बाड़े में फेंक दिया था। इस पर उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। क्या इस तरीके इसमें अगर किसी नवजात शिशु के पैदा होते ही उसको आरक्षित करते हुए उसको अगर फेंक दिया जाता तो उसमें धारा 315 IPC के तहत हमने प्रकरण दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।